जैसे ही हम किसी बड़े ब्रांड को या कुछ नंबर्स को देखते हैं कि जो बहुत अच्छे अंदाज से जमा हुए होते हैं, हमारी सोच होती है कि ये बड़ी किस्मत वाला शख्स है, इसने कोई शॉर्टकट मारा है, ये कोई दो नंबरी है, ये कोई धोखा है, ये कोई जाल है। यानी कि हम मनफी ही सोचते हैं। क्यों? ऐसा नहीं कि हम किसी के बारे में मनफी सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, नहीं, हम अपने बारे में मनफी सोच रहे हैं, अपने आप को मनफी अल्फाज, मनफी तरीके, मनफी सोच के साथ भर रहे हैं, भर रहे हैं, भर रहे हैं। और फिर एट द एंड क्या होता है कि हम अपने काम से भी हाथ धो बैठते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है, ओए होए 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 होए, आप सबको जैसे कि मालूम है कि आप सुनने के लिए तैयार हैं। हियर आई एम माविया तारिक, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट एंड लाइफ कोच। आखिर किस तरह से कोचिंग एक क्रिएटिव फ्लो को तैयार करती है और क्रिएटिव फ्लो किस तरह से इख्तियार होता है और ये क्रिएटिव फ्लो पहले है क्या, इसको जान लें। बहुत ही शॉर्ट आपके साथ अगर शेयर करूं तो मुझे यकीन है कि आपने नदी को तो देखा होगा, यानी कि पानी अगर एक जगह खड़ा रहे तो पानी सड़ जाता है, बू आने लग जाती है। और इसी तरह से अगर चलता हुआ पानी, अगर चलता हुआ पानी एक फ्लो में चल रहा हो तो फिर क्या है, क्या वो खराब हो सकता है? नहीं, हरगिज नहीं। उसे हम पी भी सकते हैं, चलते हुए पानी में हम नहा भी सकते हैं, अपने आप को पाक साफ भी कर सकते हैं। तो ये क्या है? नंबर टू स्टेप की जानिब थोड़ा सा बढ़ा जाए, मुझे यकीन है कि आपने फ्लो को तो जाना होगा, थोड़ा फ्लो स्टेट की जानिब बढ़ते हैं। तीन स्टेप शेयर करूंगा। नंबर टू स्टेप, फ्लो स्टेट, एक ऐसी स्टेट जिसमें आप अपने आप को मुकम्मल तौर से पुरसुकून होने के साथ साथ एक तलाश में अपने आप को शामिल करते हैं, एक ऐसी सर्च कि जो आपके मिशन तक आपको लेकर जाती है, एक ऐसी तमन्ना जो आपकी विशफुल थिंकिंग है, एक ऐसा वर्क जो आपके इनर गेम को डिफाइन करता है। ये कौन से पॉइंट्स हैं, ये कौन से सेशन हैं? माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं आपके साथ एक बहुत शॉर्ट स्टोरी शेयर करूं तो जब के साफ़त चैनल का आगाज हुआ, पहली वीडियो डिस्कवर पॉजिटिव माइंडसेट, पहला सेशन जब मैंने अपलोड किया, एडिट किया, उसको ऑडियो सेट की, और उसके बाद जैसे ही मैंने क्वालिटी बेहतर करने के बाद शेयर किया तो बूम, एकदम से धमाका नहीं हुआ। चंद साथी दोस्तों के पास ये पैगाम पहुंचा, और फिर जब मैंने अगला पैगाम शेयर किया, अगला सेशन शेयर किया, दूसरा, फिर और साथियों के पास पहुंचा, फिर और साथियों के पास पहुंचा। तो ये करते करते आज की डेट में 700 से ज्यादा में सेशंस आपके साथ शेयर कर चुका हूं, जो कि पूरी तरह से किस पर बेस करते हैं, एक लाइफ कोच और एक बिजनेस कंसल्टेंट। यानी आप किस तरह से अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं और किस तरह से आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये मैंने आपके साथ जैसे ही सेशंस शेयर किए तो बहुत ही आसानी से वर्ल्ड वाइड व्यूज 7 लाख से प्लस, और इन थोड़े से व्यूज से सब्सक्राइबर यानी कि रिव्यू आपके सामने है, 45,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर। खैर माय डियर फ्रेंड्स, ये बताने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि फ्लो, ऐसा नहीं कि मैंने 2 सेशन अपलोड किए या 50 किए या 100 किए या 150 किए या 200 किए या 500 किए या 600 किए और मैं रुक गया। नहीं, मैंने 720 से प्लस सेशंस अपलोड करने के साथ साथ एक अपनी स्पीड को बरकरार रखा, एक अपनी चाल को बरकरार रखा। नंबर 3 स्टेप शेयर करूंगा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये किस तरह से हम अपनी प्रोग्रेस और प्रोसेस को फास्ट करें। ये प्रोग्रेस और प्रोसेस दोनों अलग अलग चीजें हैं, यानी कि एक आपकी स्पीड है
और दूसरा आपका अमल है, यानी कौन से अमल से स्पीड फास्ट होती है, यह मैं आपके साथ नंबर 3 स्टेप में शेयर करूंगा। तो बहुत ही आसान अमल है कि खुद के साथ सच्चा हो जाना। माय डियर फ्रेंड्स, जब आप अपने आप को टटोलते हैं, जज करते हैं, गलती बेशक दूसरे की हो, आप बोलें कि मेरी इसमें गलती क्या है, बेशक दूसरा गलत हो, नेगेटिव हो, आप ये सोचें कि मेरी इसमें गलती क्या है, मैं कहां पे गलत हूं, झांकें अपने गिरबान में। तो जब आप झांकेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि गलती किसी की भी नहीं है। इसी तरह से मेरे सेशन का होता है अख्तिताम। अपना आप सब हौसला रखें। अस्सलाम वालेकुम।